नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है बेयब्लेड लेजेंड्स। तो भाई आज की जो न्यूज होने वाली है वो बहुत ही दुखद है और इससे बहुत सारे बेयब्लेड के फैंस निराश ऑलरेडी हो चुके हैं, इंक्लूडिंग मी। तो भैया ये न्यूज क्या है ये जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा एंड तक, क्योंकि अगर आप ये वीडियो स्किप कर देंगे तो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा कि मामला क्या है। मार्वल एचक्यू से रिलेटेड है, बेयब्लेड से रिलेटेड है। तो भैया वीडियो पूरा देखना, स्किप तो भैया बिल्कुल मत करना। हैशटैग बेयब्लेड न्यूज इंडिया। तो भाई अभी जो प्रॉब्लम चल रही है वो क्या है कि जो बेयब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन चल रहा था इंडिया में उसको रोक दिया गया है। वापस कब आएगा इसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं मिली है, क्योंकि 10 एपिसोड दिखा के अभी बंद हो चुका है और मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर में वो वापस स्टार्ट किया जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है, तो देखिए दोस्तों, बेयब्लेड ओरिजिनल सीरीज और मेटल सीरीज इन सब के मुकाबले में बेयब्लेड बर्स्ट बहुत कम पसंद आया है लोगों को। मतलब जितना उन्होंने बेयब्लेड ओरिजिनल सीरीज और मेटल सीरीज को सपोर्ट किया उतना सपोर्ट बेयब्लेड बर्स्ट को कभी नहीं मिला, क्योंकि भाई बेयब्लेड बर्स्ट में केवल कंपटीशन की ही बातें होती थी और बेयब्लेड मेटल सीरीज में क्या था, दुनिया को बचाना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का वो बनाया था उसको, और बेयब्लेड ओरिजिनल सीरीज भी कुछ ऐसा ही था। और बेयब्लेड बर्स्ट के जो कैरेक्टर्स थे मेनली जो थे वो बहुत ही चाइल्डिश थे। देखिए बुरा मत मानिएगा, मैं भी बेयब्लेड बर्स्ट का एक बहुत ही बड़ा फैन हूँ, मैंने भी देखा है। और भाई तो मेन प्रॉब्लम क्या है कि भाई बेयब्लेड बर्स्ट की टीआरपी जो है वो बहुत गिर गई है। तो भाई बेयब्लेड बर्स्ट की टीआरपी गिरने के कारण उसको अभी बंद कर दिया गया है और मार्वल एचक्यू की हालत बहुत ही खराब है। मार्वल एचक्यू बंद होने की कगार पर पहुंच चुका है, क्योंकि टीआरपी बहुत कम मिल रही है। पोकेमोन का सीजन जो चल रहा था अभी उसको हंगामा पे शिफ्ट कर दिया गया है और अभी ऐसे चांसेस है कि बेयब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन को भी हंगामा पे शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि मार्वल एचक्यू मेरे ख्याल से ज्यादा दिनों तक अभी टिक नहीं पाएगा। और ये भी कुछ कंफर्म नहीं है, ये भी बस मैं आपसे फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ, जो न्यूज अभी चल रही है उसकी बात कर रहा हूँ। तो भाई और एक और बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि जो बेयब्लेड बर्स्ट के एपिसोड्स हैं वो ज्यादातर लोगों ने पायरेसी के थ्रू देखे हैं। पायरेसी तो यानी पायरेटेड वीडियोस के द्वारा लोगों ने बेयब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन को देखा और इसी के कारण टीवी पर उसकी टीआरपी जो है वो बहुत ही गिर गई। तो भाई ऐसे में अगर बेयब्लेड हंगामा ने नहीं लिया तो इससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी कि बेयब्लेड की जो आने वाली सीरीज है, जैसे बेयब्लेड बर्स्ट जीटी हो गया, बेयब्लेड बर्स्ट सुपर चोजी, बेयब्लेड बर्स्ट चोजी या सुपर जी, इन सब के आने की जो बात है ये तो भैया भूल ही जाओ, क्योंकि भाई अगर यही नहीं आएगा तो आगे की सीरीज को लाने का क्या मतलब है, कौन लाएगा, उसके राइट्स कौन खरीदेगा। तो भाई यही बात थी और आगे क्या बताऊं कि भाई टॉय लाइन पे भी इसका बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि भाई एनीमे बंद तो इंडिया में टॉय लाइन आना बंद। अब भाई टॉय लाइन नहीं आएगी तो हमारा तो धंधा बंद हो जाएगा भाई हम क्या करेंगे तो भाई इससे बहुत सारे लोग उदास हो गए हैं, ये बस मैं मजाक कर रहा था। इससे बहुत सारे लोग दुखी हो गए हैं, बहुत सारे लोग उदास हो गए हैं कि भाई अब क्या होगा। तो भाई अगर आप चाहते हो कि बेयब्लेड बर्स्ट फिर से कंटिन्यू किया जाए इंडिया में, मैं बाकी देशों की बात नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ इंडिया की ही बात है और मैं जानता हूं दूसरे देश का तो कोई ये वीडियो देख ही नहीं रहा क्योंकि मैं तो हिंदी बोल रहा हूं। तो अभी आपको करना क्या है, आपको टीवी पे बेयब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन देखना है ताकि उसको टीआरपी मिले, उसको सपोर्ट मिले। आपको हर बेयब्लेड की सीरीज को सपोर्ट करना है, क्योंकि लोगों ने बेयब्लेड बर्स्ट को कम सपोर्ट किया,
उसकी वजह से अब ये हो सकता है कि बेब्लेड बंद ही हो जाए इंडिया में। तो भाई फिर हमें धक्के खाने पड़ेंगे इंटरनेट पे। इससे अच्छा है कि भाई सपोर्ट करो बेब्लेड बर्स्ट को। और हाँ, बेब्लेड की मर्चेंडाइज में फिर से कह रहा हूँ, खरीदते रहो अगर आप खरीद सकते हो तो, क्योंकि भाई इससे उन लोगों का भी फायदा होता है और इससे वो सोच सकते हैं कि हम बेब्लेड को इंडिया में कंटिन्यू रखें, क्योंकि भाई कोई खरीदेगा ही नहीं तो भाई क्या फायदा उन लोगों का। और भाई केवल हमारे दिल की सुनकर तो वो ये काम करेंगे नहीं। अगर उस शो को टीआरपी मिलेगी, अगर उसकी टॉय लाइन बिकेगी तभी वो कंटिन्यू रहेगा, वरना खलास। तो भाई यही था पूरी वीडियो में, एक ही बात को बहुत बार घुमा घुमा के भी कह दिया। तो भाई अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि लोगों को पता चले। तो हाँ, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, मेरा भी दिल काफी दुखा था जब मैंने देखा अरे भाई बेब्लेड इंडिया में बंद हो रहा है। ओह माय गॉड, तो मैं फटाक से उठा, फटाक से वीडियो बनाने का सोचा, वीडियो बनाई और छटाक से अपलोड कर दी। तो भाई इस वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक और सब्सक्राइब का मैं इस बार नहीं बोलूंगा। जिसको पसंद आएगा देखेगा, जिसको पसंद नहीं आएगा नहीं देखेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।